हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। आज मैं आप लोगों के लेके आई हूँ कटोरी मलाई केक। ठीक है फ्रेंड्स, उसको बनाने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करेंगे, प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली वीडियो आप लोग तक जरूर पहुँच सके। चलो बनाना स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, मैंने खाली बॉल ले लिया है। आप कोई सी कटोरी कप ले सकते हैं जिसका आपको नाप रखना है सही सही। ठीक है, ये देखिए मैंने एक कटोरी ली है नाप के लिए, उसी कटोरी से मैं नाप में सारा सामान डालूँगी। देखिए मैंने दो कटोरी मैदा लिया है और इसी कटोरी से मैं एक कटोरी दही डालूँगी, ये देखिएगा। और उसके बाद मैं इसमें डालूँगी एक चम्मच बेकिंग सोडा, देखिए। और उसके बाद में डालूँगी आधी छोटी चम्मच बेकिंग पाउडर। अब इसे देखिए, एक कटोरी मैंने उसी से मैंने चीनी ली है, ये पीसी हुई चीनी है, आप मिक्सी में पीस सकते हो। आपकी चीनी पिस जाएगी आसानी से, फिर इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद फिर हम देखिएगा, हम इसमें घी डालेंगे। ये देखिएगा मैंने घी मेल्ट कर लिया है। मैं इसमें डालूँगी चार बड़े चम्मच घी। आप चाहे तो इसमें रिफाइंड ऑयल भी डाल सकते हो, बस मस्टर्ड ऑयल ना डालें। फिर इसे हम अच्छे से मिक्स करेंगे। आप कोई भी एक कटोरी लेना, उससे मिक्स करना। उसी कटोरी में देखिए मैंने एक कटोरी दूध लिया है, थोड़ा थोड़ा करते हुए हम इसमें ऐड करेंगे और मिक्स करेंगे अच्छे से। इसमें कोई लम्स नहीं आने चाहिए, इसलिए हम बहुत अच्छे से मिक्स करेंगे इसे। और ये मेरे कटोरी दूध लिया था, मेरे कटोरी पूरा का पूरा दूध इसमें लग गया है। ठीक है, आप देखिएगा इसका बैटर इस तरह का होना चाहिए, आप देख सकते हो इस तरह कंसिस्टेंसी का इसको करना चाहिए। इसका बैटर ऐसा तैयार होना चाहिए। आप स्पून की हेल्प से या बिस्क की हेल्प से आप इसे मिक्स करें। फिर हम क्या करेंगे, देखिए मैं आज कटोरी में बनाऊँगी। मैं पेस्टिल की साइज़ के लिए है मैंने पाँच कटोरियाँ। ठीक है, अब हम इसे क्या कर लेंगे, देखिए मैंने घी लिया है। आप अपने चस्से से कटोरी को ग्रीस कर लेंगे। ठीक है, ग्रीस करने के बाद ये देखिएगा सारी कटोरी को अच्छे से ग्रीस करें आप। घी या रिफाइंड जो भी आप लगाना चाहते हो, बस मस्टर्ड ऑयल यूज़ ना करें आप। आप घी, बटर, रिफाइंड ऑयल लगा सकते हैं। ठीक है, ये देखिए मैंने पांच कटोरी तैयार कर ली है हमने। अब हम क्या करेंगे, अब हम एक कटोरी लेंगे, उसमें हम डालेंगे थोड़ा सा मैदा। ये देखिए थोड़ा थोड़ा मैदा लगाएंगे हम इसमें से, इस तरह से, जिससे हमारा केक आसानी से निकल जाए। ठीक है, सारी कटोरी में इसे अच्छे से कर लेंगे हम। इस तरह से लगाएंगे तो आपका केक बहुत आसानी से निकल जाएगा। ठीक है, आप देखिएगा मेरा बैटर तैयार हुआ है। अब क्या करेंगे हम इन कटोरियों में करेंगे, ये देखिएगा। अब हमें क्या करना है, इन कटोरी में हमें आधी कटोरी करना है, फुल कटोरी नहीं भरें, क्योंकि आधी कटोरी भरेंगे तो हमारा फूल के ऊपर तक आ जाएगा, इसलिए आधी आधी कटोरी भरना है आपको। और हर कटोरी को आपको टैप करना है इस तरह से। ठीक है, इसी तरह से आपको सारी की सारी कटोरियाँ भर लेनी है, जितनी आप बनाना चाहो। मैं पाँच कटोरी बनाऊँगी इतने बैटर में। ठीक है, आपको अपना बैटर इसी तरह का रखना है जिस तरह का आप देख सकते हो। ठीक है, फिर हम एक प्लेट लेंगे, जिस प्लेट में आपकी जितनी कढ़ाई में जो प्लेट आपकी आती है उस तरह के प्लेट लेंगे। मेरी कढ़ाई में ये वाली प्लेट आ जाएगी, इसलिए मैंने बड़ी प्लेट ली है। इसमें मेरी तीन कटोरी आ जाएगी और ये कढ़ाई में फिट हो जाएगी मेरी प्लेट। देखिए, अब मैंने एक कढ़ाई ले ली है, देख सकते हो आप, उसमें मैंने डाला है एक गिलास पानी। अब हम रखेंगे इस पर स्टैंड इस तरह का, तो जिस पे आपकी प्लेट टिक जाए। ठीक है, ये देखिए मैंने इसके ऊपर प्लेट रख दी है। हमारा पानी गर्म हो चुका था तो हमने उसके ऊपर प्लेट रख दी है। अब इसे हम ढक देंगे और मीडियम आंच में हम इसे पकाएंगे 30 मिनट्स के लिए। ये देखिए 30 मिनट्स हो गए हैं, आप देख सकते हो कितने अच्छे से फूल के आए हैं बाहर। ये देखिए मैंने टूथपिक लगाई है, देखो क्लीन निकली है, तो इसका मतलब हमारा एक कटोरी केक बनके तैयार हो गया है।
अब हम इसे निकाल लेंगे। फिर देखिए एक दूसरी कढ़ाई ली है हमने, उस कढ़ाई में हमने दूध डाला है, 1 किलो दूध है। इसको गर्म होने देंगे हम। देखिए मेरा दूध खोल चुका है, अब हम इसे मीडियम आंच पे इसे पकाएंगे। फिर क्या करेंगे, हम एक बॉयल ले लेंगे, देखिएगा इस तरह का। और ये देखिए नेस्ले का है मेरे पास, ये मिल्क पाउडर है, आप इसमें पूरा का पूरा ऐड करें। छोटा पैकेट है 20 रुपीज़ वाला। और फिर हम इसमें थोड़ा थोड़ा दूध डाल के इसे अच्छे से मिक्स करेंगे, ताकि इसमें कोई भी लम्स ना रहे, इसलिए हम थोड़ा थोड़ा दूध डाल के इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। ये दूध मेरा रूम टेम्परेचर है, इसलिए इसमें मिक्स करेंगे। जिस इसे हम दूध में डालेंगे, इससे हमारा दूध गाढ़ा बनेगा, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनेगा। ठीक है, आप थोड़ा थोड़ा ऐड करें और मिक्स करते रहें, ताकि इसमें कोई लम्स ना रहें। ये देखिएगा मेरा बन के तैयार हो गया, देखिए इसमें कोई भी लम्स नहीं है। अब हमने दूध के साइड चलते हैं। ये देखिएगा हमारा दूध हो चुका है, इसमें मैंने चाशनी डाली है, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। मिल्क पाउडर भी मीठा होता है, इसलिए थोड़ा उस हिसाब से डालें। और आप देखिएगा मैं थोड़ा थोड़ा दूध डालूंगी इसमें, जो हमने मिक्स करा था, ताकि इसमें कोई लम्स ना रहे। अच्छे से इसे मिक्स करते रहें दूध डालते समय, जो हमने मिल्क पाउडर का दूध बनाया था उसे। और उसके बाद हम देखिए मिक्स करते रहेंगे इसे, तो हम पकाएंगे। हमारा दूध जब तक गाढ़ा ना हो जाए तब तक हम इसे पकाएंगे। हमें अपना दूध गाढ़ा रखना है, ताकि हम जब इसे केक में डालें तो बहुत अच्छा बनेगा। ये देखिएगा, चलो अब हम आपको एक चीज़ दिखाते हैं। हमारी कटोरी जो ठंडी हो चुकी थी, आप देख सकते हो आप, वाह देखिए कितने आसानी से निकल रहा है। ये देख सकते हो आप, एकदम निकल गया है। आप इसका टेक्सचर देख सकते हो, देखिए कितना सॉफ्ट स्पंज बना है। देखिएगा, ये देख सकते हो आप, है ना। अब क्या करेंगे हम, अब हम एक फॉर्क लेंगे, देखिएगा इस तरह की। अब हम इसे ऐसे करेंगे, ताकि इसमें दूध हमारा अंदर तक चले जाए। देख सकते हो आप, इस तरह से हम अपने फॉर्क से इसमें छेद कर लेंगे। इस तरह से सारी कटोरियों में करना है हमें, इस तरह से, ताकि हमारा दूध आसानी से अंदर तक चला जाए इसमें, और खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगे ये। ठीक है, अब अपना दूध देख लेते हैं हम। देखिएगा हमारा दूध पक के तैयार हो गया है, देखिए इस तरह का रखना है आपको। अब हम दूध ठंडा होने के लिए देंगे थोड़ा। अपनी कटोरी ले लेते हैं सारी। ये देखिए मैंने कटोरियाँ ले ली हैं सारी। अब मैं इसमें डालूँगी दूध थोड़ा थोड़ा। देखिए मेरा दूध भी ठंडा हो गया, मेरे केक भी ठंडे हो चुके हैं। अब मैं इसमें थोड़ा थोड़ा दूध ऐड करूँगी, ऊपर कटोरी तक भरेंगे इसमें। देखिएगा आप, इस तरह से आपको सारे के सारे कटोरी में दूध कर लेना है। और फिर उसके बाद इसमें हम ऐड करेंगे कुछ ड्राई फ्रूट्स, जो आपके पास हो ड्राई फ्रूट आप वो ले सकते हैं। मेरे पास यहाँ काजू बादाम है, मैंने उन्हीं को कट कर लिया है बारीक बारीक। अब मैं इसको इनके ऊपर डालूँगी, ऐसे डेकोरेट करेंगे हम इसे अच्छे से। इसमें डालिएगा जो जो आपके पास हो आप वो ले सकते हैं। मेरे पास काजू बादाम है इसलिए मैंने वही लिए हैं, ठीक है, इसलिए मैंने वही डाले हैं इसमें। आप देख सकते हो मैंने 5 कटोरी में डाल चुकी हूँ, देखिए आप। उसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी, देखिए मेरे पास चेरी रखी थी तो मैंने इसमें थोड़ी सी चेरी ऐड करी है। देखिए आपको जो भी अच्छा लगे आप वो डाल सकते हैं ऊपर से। देखिए लीजिए, आज की बन के तैयार है हमारी कटोरी मलाई केक। ठीक है, अब मैं एक चीज़ और दिखाती हूँ, देखिएगा इसका टेक्सचर दिखाती हूँ मैं, देखिएगा वाओ। इसे आप रबड़ी भी बोल सकते हैं, इसे आप कटोरी मलाई केक भी बोल सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बना है ये, आप इसे एक बार ज़रूर बनाइएगा। ठीक है, और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा मेरी रेसिपी कैसी लगी आपको ये।
ठीक है। मेरी वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय फ्रेंड्स।